नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे प्यारे YouTube वासियों। होप्स हो कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अब ठीक हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज अचानक से इतने दिन बाद फिर से आ गया। एक्चुअली मैं बता दूं कि कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, ये जो न्यूज़ बुलेटिन है वो नहीं बना पाया। कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उस वजह से थोड़ा बीमार था, तो उस वजह से मैं जो है आप तक कोई भी न्यूज़ नहीं पहुंचा पाया पिछले 4-5 दिनों से। तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। तो सेहत ठीक नहीं थी, उस वजह से मैं आपके साथ बुलेटिन शेयर नहीं कर पाया। अब मैं ठीक हूँ, काफ़ी बेटर हूँ। तो आज का खबरनामा जो है शुरू करते हैं पहली खबर से। शोपियां के अलीशपुरा में बीती रात जो है आतंकियों और सुरक्षा बलों में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी जो है मार गिराए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बिजली विकास विभाग यानी PDD की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता। नामी डोगरा संस्था ने जम्मू में इंटरेक्टिव सेशन एक मलाटी का किया आयोजन। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने जम्मू में की प्रेस वार्ता। भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर के चलते JMC मेयर ने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी में बच्चों को दिलाई शपथ। विपक्षी दलों ने मिलकर आज जम्मू में किया जोरदार प्रदर्शन। बदरवा में युवा महोत्सव संगम 2023 का हुआ समापन। पत्नीटॉप लैंड ग्रैब केस में CBI ने 6 चार्जशीटें की फाइल। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जम्मू कश्मीर यात्रा से पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। IGP जम्मू आनंद जैन ने जम्मू क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के साथ की इंट्रोडक्टरी मीटिंग। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे ऑयल टैंकर को चलते हुए लगी आग, ड्राइवर बाल बाल बचा। दूसरे दिन भी कश्मीर की कई जगहों पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड जारी। बांदीपुरा पुलिस द्वारा एक शिक्षक को विद्यार्थी के हिजाब के साथ छेड़छाड़ करने पर किया मामला दर्ज। बारामूला पुलिस ने एक कुख्यात नशा तस्कर को PIT NDPS एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। गांदरबल में गैस लीक होने से 3 SSB के जवान हुए घायल। जम्मू की तहसील जोड़िया में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई। जिला आयुक्त रजौरी विकास कुंडल ने पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी ने रामगढ़ के सीमावर्ती ब्लॉक से मेरी माटी मेरी देश की यात्रा को दिखाई हरी झंडी। सुनकोट में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत स्वच्छता फ्रीडम रैली का किया गया आयोजन। तो फ्रेंड्स, ये थी आज दिन भर की जम्मू कश्मीर की अपडेट्स जो मैंने आपके साथ साझा की, जैसे पहले भी करता हूँ। तो होप सो आपको सारी डिटेल्स जो हैं इस बुलेटिन में मिल जाती होंगी। और मैं सोच रहा हूँ इस बुलेटिन के साथ साथ अब मैं जो डेली व्लॉगिंग है, जो मेरी रूटीन जैसे पहले थी, वो भी स्टार्ट करूँ, और वो भी मैं जल्द ही स्टार्ट करूँगा। शाम का बुलेटिन तो आएगा ही आएगा, साथ में जो है जो डेली का रूटीन रहती है, क्या कर रहे हैं हम, किस तरह से कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मेरा पूरा जो भी दिन भर का रहेगा, कहीं जाना, कुछ भी करना, वो भी आपके साथ शेयर किया करूँगा। तो प्लीज़ अपनी सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार दिखाते रहें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, राधे राधे।